बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही शानदार रेसिपी, बादामी चिकन, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बादामी चिकन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब हम इस पे डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैंने 2.5 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून नींबू का रस, यह है 1 कप दही, यह है 2 मीडियम साइज के अनियन जिसको कि मैंने स्लाइस करके डीप फ्राई कर लिया है, जिस तरह के हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं। अब इसे भी हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। ये मैंने लिया है 8 साबित हरी मिर्ची और मुट्ठी भर कोथमीर यानी के हरा धनिया। इसे हम साबित नहीं डालेंगे, इसका हम पेस्ट बनाकर डालेंगे, उससे चिकन में बहुत अच्छा जायका आएगा। ये हरी मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे चिकन पर लगा दूंगी। अब इन तमाम चीजों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बादाम का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप बादाम, जिसको कि भिगो कर मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब मैं इसमें से तकरीबन 7-8 बादाम ले लूंगी, जो कि मैं गार्निशिंग के वक्त इस्तेमाल करूंगी, और जो बाकी बादाम है इसका मैं पेस्ट तैयार करूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप दूध, 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान। अब इसे मैं पीस कर बिल्कुल एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लूंगी। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ज़ाफ़रानी रंग का पेस्ट तैयार हुआ है। इस पेस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बादाम को भिगोएं। अगर आप बादाम को भिगोएंगे नहीं तो इतना स्मूथ पेस्ट तैयार नहीं होगा। अगर आपके पास भिगोने का टाइम ना हो तो आप बादाम को माइक्रोवेव में रख दें 2 मिनट के लिए, फिर उसका छिलका निकाल कर उसे ग्राइंड कर लें। अब इस पेस्ट को हम एक साइड पर रख देंगे। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 3/4 कप ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी ईद गुजरी है और घी से बनी हुई बिरयानी, शिरखुरमा काफ़ी कुछ खाया है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि दोबारा घी में मैं कुकिंग करूं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला है, जो कि मैरिनेशन के वक्त मैंने इस्तेमाल की थी। अब उसी ऑयल में जिसमें कि मैंने प्याज फ्राई की थी, मैं डाल दूंगी कुछ साबित गर्म मसाला, जिसमें कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता छोटा था इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़े हो तो आप 1 ले लें, 1 बड़ा दालचीनी का स्टिक और 6 हरी इलायची। गरम मसाले को मैंने फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने इसे सौते करना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है, जिसे कि हम ड्राई करेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे हम, और हाई फ्लेम करके हमने इस पानी को सुखाना है, और चिकन में जो थोड़ी सी कसर मौजूद है वो भी पूरी हो जाएगी और चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। चिकन को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया है हाई फ्लेम पर। अब इसका तकरीबन पानी सूख गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। हमने तमाम पानी नहीं ड्राई करना है। जब ये इस स्टेज पर आए कि थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद हो, हम फ्लेम को स्लो कर देंगे यानी कि मीडियम कर देंगे, और अब ये जो बादाम का पेस्ट हमने तैयार किया था ज़ाफ़रान दूध और बादाम को मिलाकर, इसे अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही चिकन में उबाल आया है हम इसे दोबारा कवर कर देंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, इतना कि जो ग्रेवी से ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और हमें साइडों पे नजर आने लगे। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल ग्रेवी से बिल्कुल अलग हो गया है और तमाम पानी इसका खुश्क हो गया है। चिकन इसी तरह हमें नज़र आना चाहिए, मसाले से लपटा हुआ और तेल ऊपर नज़र आना चाहिए। उस वक्त तक ही हमने इसकी भुनाई करनी है। और अब जबकि चिकन अच्छी तरह से भून गया है, हमारा बादामी चिकन तकरीबन तैयार है। बस हमने इसमें अब एक और इंग्रेडिएंट शामिल करना है जो कि है क्योड़ा वाटर। मैंने 2 टेबलस्पून क्योड़ा वाटर लिया है, ये मैं इस पर डाल दूँगी। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल ना करें या चाहे तो 1 या 2 कप पानी इसमें शामिल करें। जैसे भी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर डालें, वरना जब आप सालन प्लेट में डालेंगे तो आपको सिर्फ चिकन के पीसेस नज़र आएंगे, ग्रेवी नज़र नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर डालें लेकिन ज़्यादा ना डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप पानी। इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अब इसे कवर करके हम इसे स्लो फ्लेम पर दम देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और फिर चूल्हा ऑफ कर देंगे। चिकन को दम होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चूल्हे को ऑफ कर दूंगी। ये हमारा शानदार बादामी चिकन बनकर तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे जो बादाम हमने निकाल कर रखे थे उससे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बादाम से गार्निश करें या चाहे तो ना करें, लेकिन करेंगे तो खूबसूरत लगेगा। अब मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया यानी कि कोथमीर। इसे आप अपनी दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं या फिर किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस जायकेदार बादामी चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और शानदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।